अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे क्लास 9 फिज़िक्स, पेज नंबर 9, मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट से। लास्ट वीडियो में जो है वो मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा मैंने बताया था कि मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेयर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, ईटीसी। मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन द पास्ट वर नॉट सो रिलायबल टू एंड एक्यूरेट एज वी नो टूडे। यानी पहले ज़माने में जितनी एक्यूरेसी थी, मतलब पहले एक्यूरेसी नहीं थी जितनी आजकल है, कि आजकल तो जो है वो 0.001 सेकंड तक या 0.001 मिली सेंटी तक किसी भी चीज़ को मेयर किया जा सकता है। जैसे कि हमारा पियानो का बॉल पॉइंट होता है, उसके ऊपर लिखा होता है 0.08 mm, यानी वो मिलीमीटर उसकी टिप होती है, जो अगर बॉल होती है छोटी सी, जो कि हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो बॉल ज़रूर होती है, उसकी मेयरमेंट जो है वो लिखी हुई है उन्होंने। उसके बाद जो आप फॉर एग्जांपल सेंडिकल वाटर क्लॉक एंड अदर टाइम मेयरिंग डिवाइसेस यूज्ड अराउंड 1300 AD वर क्वाइट क्रूड। यानी उस बड़ी देर पहले जो है वो पानी नुमा घड़ियाँ जो है वो यूज इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आजकल जो है बड़ा ही एक्यूरेट और रिलायबल जो है वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि नंबर वन, द मेयरिंग रूल, जिसे हम आमतौर पर स्केल कहते हैं, ठीक है, ये स्केल यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है ना 1 से लेके 12 इंचज़ तक बताया जाता है, जो कि वन वन फुट होता है, यानी 1 फीट होता है, ठीक है, और ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर जो है वो इस पर लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है अ मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एज शोन फिगर। जैसे ये दिखाया गया, इट इज़ कॉमनली यूज इन द लेबॉरटरीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट या दोज पॉइंट। आप कुछ भी कह सकते हैं कि मेयरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कोई भी दो पॉइंट्स के दरम्यान की लेंथ को मेयर। इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग, विच इज़ इक्वल टू द 100 सेंटीमीटर्स, जो कि एक जो है वो बराबर है कितना, 100 सेंटीमीटर के। ईच सेंटीमीटर सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 110 स्मॉल डिवीजन्स कॉल्ड मिलीमीटर्स। यानी ईच सेंटीमीटर को डिवाइड किया गया 10 प्रॉपर स्मॉल डिवीजन्स में, उसे मिलीमीटर का नाम दिया गया। थस 1 मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग डैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मीटर रूल एंड इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट, उसे लीस्ट काउंट का नाम दिया गया, ठीक है। वाइल मेयरिंग लेंथ और डिस्टेंस आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट एज शोन इन फिगर। यानी ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल उसके सर के ऊपर चढ़ के देखें, थोड़ा सा वर्टिकली होकर देखेंगे तो आपको लाइन की जो है मेयरमेंट सही नज़र आएगी। द रीडिंग बिकम्स डाउटफुल इफ़ द आइज इज पॉइंटेड आई द लेफ्ट और राइट टू द रीडिंग पॉइंट। आप ज़्यादा तिरछा मिर्छा होकर ना देखें, बहुत ही अलहदा होकर ना देखें, थोड़ा सा उसके ऊपर सारा के थोड़ा सा तिरछा होकर देखेंगे तो आपको जो रीडिंग है उसकी अच्छी और प्रॉपर यानी एक्यूरेट नज़र आएगी। उसके बाद है मेयरिंग टेप। मेयरिंग टेप्स आर यूज टू मेयर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स, जो जिसे हम आमतौर पर इंची टेप कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये किसी भी चीज़ की लेंथ मीटर्स में और सेंटीमीटर्स में शो ऑफ करता है, यानी नाप सकता है, मेयर कर सकता है। फिगर 1.5 में शोज किया गया है मेयरिंग टेप। फिगर 1.5 शोज अ मेयरिंग टेप यूज बाई ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर्स। ये जो चमड़े का काम करते हैं, जिसे हम मोची कहते हैं, और कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है, वो लोग ये इसे इस्तेमाल करते हैं। अ मेयरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ अ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन, मेटल और प्लास्टिक, जनरली 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर लॉन्ग। ये मुख्तलिफ किस्म का मिलता है, मतलब इसकी लेंथ जो है वो कुछ स्मॉल भी होते हैं, कुछ लेंथी भी होते हैं, कुछ और जो सबसे बड़ा है वो 100 मीटर का है। मेयरिंग टेप मिल जाता है मार्केट से। मेयरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एज वेल एज इन इंचेस। उनको ना इंचेस में काम जो है वो देखा जाता है, सेंटीमीटर्स में और इंचेस में भी, दोनों में मिल सकते हैं। नेक्स्ट पेज। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वर्नियर कैलिपर। द एक्यूरेसी ऑब्टेन इन मेजरमेंट्स यूजिंग अ मीटर रूल इज़ अप टू 1 मिलीमीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेयरिंग का हम बहुत ज़्यादा हम एक्यूरेट चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम मेयर कर सकते हैं 1 मिलीमीटर, समझ लें एक नुक्ते की मानी। हाउ एवर एन एक्यूरेसी
ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग सम, ये एक टूल है वर्नियर कैलिपर जिससे हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट, ये इसके जो है फ्रंट जार्स हैं, आउटर जार्स हैं, ये इसके जो इनर जार्स होंगे, ये वर्नियर स्केल है, ये इसका मेन स्केल है। मतलब जैसे हमारे पास एक आयरन स्केल के ऊपर या मेजरिंग रूलर रूल के ऊपर जो है वो एक स्केल लगा होता है, ये वर्नियर कैलिपर का स्केल है, ठीक है। उसके बाद अदर इंस्ट्रूमेंट्स सच एज वर्नियर कैलिपर, अ वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज एज शो इन फिगर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 1.6 जो फिगर है उसमें बताया गया, वन इज फिक्स जॉज विद मेन स्केल अटेंडेड अटैच टू इट, जो है एक मेन स्केल है जो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर वर्नियर स्केल के ऊपर मेन स्केल है सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स मार्क्स ऑन इट, इसके ऊपर मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स का जो है वो निशान लगे हैं। द अदर जार्स इज अ मूवेबल जार, ये जिसे हम वर्नियर स्केल कह रहे हैं ये जार्स हैं, ये जो है मूवेबल है। इट हैज़ वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन्स ओवर इट सच दैट ऑफ इट्स डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर, द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। यानी इसमें हर एक हिसाब से, यानी हर एक को 10 के हिसाब से तकसीम किया गया जो कि 0.1 मिलीमीटर, और उसके बाद जो मेन स्केल है वो 0.1 मिलीमीटर तक, इट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट, उसको इसने लीस्ट काउंट का नाम दिया ऑफ द वन ईयर कैलिपर। ये आपको बोर्ड में आ सकता है, राइट डाउन द लीस्ट काउंट ऑफ वन ईयर कैलिपर, तो आपने क्या लिखना है, लीस्ट काउंट ऑफ वन ईयर कैलिपर, ये फार्मूला लिखना है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वन ईयर स्केल, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 100 डिवीजन, वो आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, और हैंस जो है ये मिलीमीटर है ना, आप इसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं डिवाइड, आप इसको फिर जो है वो 10 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब इसकी आ जाएगी वर्किंग, वर्किंग में आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर इफ एनी, आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एक एरर जो कि अगर आएगा तो, इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इट इज कॉल्ड द जीरो एरर, उसको हमने जीरो एरर का नाम दिया ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत ज़्यादा यूज कर करके, जैसे हमारे पास पेन होता है, जब नया पेन लें तो उसको खोलने बंद करें, वो जो है वो बड़ा हार्डली जो है ओपन और क्लोज होता है, उसके बाद जैसे जैसे पेन जो है पुराना होता जाता है तो उसके जो कैप है वो लूज़ होना शुरू होता है। इसी तरह इस टूल के साथ भी है कि जब आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसके अंदर एक एरर आना शुरू हो जाएगा जिसका नाम रखा है ज़ीरो एरर। नाउइंग द ज़ीरो एरर नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्शन मेजरमेंट्स, सच अ correction is called zero correction of the instrument, zero correction is the negative of zero error, yani wo uske ult karenge to phir hi jaake wo zero error jo hai zero correction mein convert hoga, jaise koi cheez jo hai wo humne usko close karna tha lekin wo bahut zyada aage tak chali gayi, theek hai, ab usko humne thoda sa wapas lana hai, minus ka sign ye batayega ki hum usko correction mein la rahe hain, theek hai। next page, ye upar diya zero error zero correction ka, to find the zero error to find the zero error close the jaws of vernier caliper gently, yani aap agar aapne zero error ko find out karna hai to aap kya kare, vernier caliper ke jaws ko band kare properly, yani ek acche tarike se, if zero line of the vernier scale coincidence विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल्स दैन द ज़ीरो एरर इज़ ज़ीरो, मतलब ज़ीरो एरर जो है वो ज़ीरो के लाएगा, यानी ये देखें ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो मैच कर रहा है तो इसका मतलब ज़ीरो एरर कोई एरर नहीं है। ज़ीरो एरर विल बी एग्जिस्ट इफ ज़ीरो लाइन ऑफ द वन ईयर स्केल इज़ नॉट कंसीडिंग विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, फिगर 1.7b, ये जो है ये वाली मेन स्केल, ये देखें ये जो है ये ज़ीरो इधर से थोड़ा सा पीछे रह गया, मतलब ये इसको यहाँ पे अटैच होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद विद द मेन स्केल जीरो एरर विल बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव कब होगा, जब ये पीछे रह जाएगा, पॉजिटिव कब होगा, वन ईयर पॉजिटिव जीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ जीरो लाइन ऑफ द वन ईयर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड विल बी नेगेटिव इफ जीरो लाइन ऑफ वन ईयर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, ये इसकी तीन फिगर दी हैं 7.7c, ये देखें
ये देख, ये धीरे जो है थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गए, ये देखिए प्रॉपर लाइन नहीं है, ये इसके पैरेलल नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा शिफ्ट कर गए, मतलब नॉन पैरेलल, बिल्कुल इसके सीधी लाइन नहीं आ रही, देखिए थोड़ा सा टिल्ट किया इसने। ये मेन इसका अगर ओवरव्यू लेना हो तो इस वर्नियर स्केल का, ये प्रॉपर है, इसमें कोई एरर नहीं है, देखें एक सीधी लाइन है, 0 0 से अटैच हो रहा है। इसमें क्या कर रहा है, 0 थोड़ा सा पीछे रह गया, ठीक है, इसने इसको पॉजिटिव का नाम दे दिया, और ये जो है थोड़ा सा 0 आगे चला गया, इसको इसने नेगेटिव का नाम दे दिया, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक ख़त्म है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, ताकि और अगर कोई गलती या कोई बात आपको लगे तो वो कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में दूर कर दीजिएगा। होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।